अभी तक हम लोगों ने कितने रूल पढ़ लिए? पहली बात तो हम लोगों ने ये रूल पढ़ाया कि हाउ कैन वी चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टिंग फ्रेज और रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। रिपोर्टिंग स्पीच को हम लोगों ने देख लिया, उसमें जो जो चेंजेस होते थे हम लोगों ने उसको देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने रूल्स देखे रिपोर्टेड स्पीच का, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजमेंट होता था, किस प्रकार से वर्ब चेंज होते थे, किस प्रकार से सब्जेक्ट चेंज होता था, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने देख हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। एक्टिव पैसिव का ये लास्ट रूल है, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये लास्ट रूल है। इसको हम लोगों को कवर करना है और हमारा चैप्टर या ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, इसमें मैंने लिखा है सबसे पहले कि इफ द रिपोर्टेड क्लॉज स्टार्टेड विद द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज एम आर वाज वर डू डस डिड विल कैन कुड मे माइट, अगर ये सारे जो वर्ब्स है ना, सबसे पहले इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। अगर क्या स्टार्ट हो रहा है, रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज में भी आप लोग जानते हो इन्वर्टेड कॉमा के राइट हैंड साइड वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अगर ये उसमें ऑक्सिलरी वर्ब से ये चीजें क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है, तो फिर क्या होता है, देन वी वुड हैव टू फॉलो द फ्यू रूल्स, तब हम लोगों को कुछ रूल्स का हम लोगों को पालन करना होता है। तो रूल नंबर वन क्या है कि अगर से और सेड है तो ये किस में चेंज हो जाता है, आज और आज में चेंज हो जाता है। और बहुत और बहुत बार लिखा हुआ है और समटाइम्स आज और आज ये किस में चेंज हो जाता है, विल बी चेंज इन इंक्वायर और इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आज का मतलब निकल गया है ना, आज का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो होता है कि पूछना, ठीक है ना। आज का सेकेंड फॉर्म होता है आज, ठीक है ना, आस्क का सेकंड फॉर्म होता है आस्क। इसी प्रकार से इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब होता है ना, इंक्वायरी सुना ना, हर एक जगह पे इंक्वायरी कहते हैं पूछताछ। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, जब हम लोग ये तुम्हें मिलेगा डायरेक्ट स्पीच में, पर हम लोगों को करना रहेगा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे इंक्वायर कह सकते हैं, कब, जब हम लोग इसको चेंज करेंगे। उसके बाद या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं या तो फिर इंटरोगेट और इंटरोगेट। इंटरोगेट का मतलब क्या होता है, किसी से कुछ भी चीज पूछना, ठीक है ना। और इंटरोगेटेड ये आ जाएगा, तुम्हारा चेंज हो जाएगा जब हम लोग इंटरोगेटिव स्पीच में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके,